चर्चा चुनाव की हो और बेवफाई ईवीएम की इसका जिक्र ना हो तो मामला चुनावी लगता नहीं। एक तरफ कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एकजुट बता रही है, लेकिन ईवीएम को लेकर पार्टी बंटी दिख रही है। गोविंद सिंह ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन रजनी पाटिल मुद्दे से किनारा कर लेती हैं। इधर बीजेपी ईवीएम को लेकर कांग्रेस को घेर रही है। ईवीएम पर कांग्रेस के दिग्गज नेता बयानबाजी कर चुके हैं। पिछले दिनों दिग्गी राजा ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डेमो किया और ईवीएम पर सवाल खड़े किए। दिग्विजय सिंह ने सॉफ्टवेयर को लेकर सवाल उठाए और ये तक कह दिया कि क्या इंजीनियर के हाथों देश का लोकतंत्र सौंप दिया जाए। दिग्विजय सिंह को सपोर्ट करता ताजा बयान गोविंद सिंह का आया है। गोविंद सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने ईवीएम के जरिए चुनाव जीता। राज्य जानबूझ के जिताए हैं ताकि लोग 140 करोड़ देश की जनता भ्रम रहे कि भाई हम 200 छोटे छोटे राज्य जिता दिए और बाकी वहाँ बोला नहीं तो ईमानदारी से चुनाव वहाँ जीत गए, जहाँ पूरी ईवीएम ही अब ईवीएम का प्रमाणित हो चुकी। हालांकि ईवीएम के मुद्दे पर मध्य प्रदेश कांग्रेस बटी दिखी। जब ईवीएम को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन से सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि ईवीएम की वजह से चुनाव नहीं जीत पाए। कांग्रेस नेताओं के बयान को निजी बताकर उन्होंने मुद्दे से किनारा कर लिया। कांग्रेस का कहना है कि जब तक ईवीएम रहेगी लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इस पर क्या? कांग्रेस ने ऐसे कभी नहीं कहा है, आपके नेताओं ने कहा है। नेताओं ने बोला होगा लेकिन उनका व्यक्तिगत मत है। ईवीएम पर कांग्रेस की जुदा राय पर बीजेपी ने तंज कसा है, साथ ही आरोप लगाया कि निजी स्वार्थ के चलते पूरी प्रक्रिया को कांग्रेस बदनाम करने की कोशिश कर रही है। पहले कांग्रेस ही एक मत बोले, पर मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस अपने वरिष्ठ नेतृत्व पर हार का ठीकरा ना फूटे इसके लिए स्क्रिप्ट लिखता है जिसमें ईवीएम को टूल की तरह इस्तेमाल करता है। चुनाव में हार के बाद कांग्रेस का ईवीएम राग जोर पकड़ता है। ये तब है जबकि इस मसले पर चुनाव आयोग ने सब कुछ साफ कर दिया है। कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी जो सवाल उठाती रही है, लेकिन ये भी सच है कि जीत के बाद ये लोग ईवीएम पर कुछ नहीं कहते। ऐसे में बयान सियासी है और इनका मकसद ईवीएम पर उंगली उठाने वाले नेता ही बेहतर समझ सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने के बाद कांग्रेस ग्वालियर चंबल अंचल में खोखली हो गई है। खबर यह भी है कि कई और नेता बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। तो क्या लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के लिए उम्मीदवार ढूंढना मुश्किल होगा? क्या बीजेपी के लिए लोकसभा सीटों को जीतना आसान होगा? ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस की राजनीति में ज्यादातर वक्त सिंधिया परिवार का रुतबा और दबदबा रहा है, लेकिन साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हुए, तब से कांग्रेस ग्वालियर चंबल अंचल में खोखली सी हो गई है। चार साल के दरमियान ग्वालियर चंबल अंचल में विधायक, मंत्री, पूर्व विधायक, जिला जनपद अध्यक्षों सहित 500 से ज्यादा कद्दावर नेता और हजारों कार्यकर्ता कांग्रेसी बीजेपी में आ चुके हैं। बीजेपी का दावा है कि बचे हुए कांग्रेसी भी जल्द ही भाजपा का दामन थामेंगे, लिहाजा लोकसभा चुनाव में अब कांग्रेस में चुनाव लड़ने लायक उम्मीदवार भी नहीं मिल पाएंगे। देखिए, कांग्रेस तो बिल्कुल अस्ताचल की ओर है, उन पर कोई नेता बचा नहीं है। कुछ नेता हैं जो अपना गिरोह चला रहे हैं अलग अलग तरीके से और लगातार लोग उनको छोड़ करके जा रहे हैं और उनकी कार्य पद्धति से भी नाराज हैं। और जब आदमी को दिखता है कि कोई जहाज डूबने वाला है तो जितने सवार होते हैं वो अलग अलग कहीं न कहीं पनाह दे लेते हैं। ग्वालियर चंबल अंचल की विधानसभा सीटों पर सिंधिया राज परिवार का दबदबा कायम रहा है। 1977 से लेकर 2019 तक माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल अंचल में सांसद चुने जाते रहे। इसके साथ ही ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस की राजनीति जयविलास महल से ही संचालित होती रही, लेकिन 2020 में सिंधिया ने बीजेपी का दामन थामा तो कांग्रेस सिंधिया परिवार के बिना वीरान हो गई। हालांकि कांग्रेस नेता मानते हैं कि जो लोग कांग्रेस छोड़ भाजपा में जा रहे हैं वो अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हैं, जबकि विचारधारा से जुड़े लोग आज भी कांग्रेस को मजबूत करने में जुटे हैं।
तो जो नेता जा रहे हैं वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण जा रहे हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी एक समुद्र है जिसमें हजारों नदियां आती हैं, वाष्पित होती हैं, फिर वापस आकर कांग्रेस में मिलती हैं। ग्वालियर चंबल अंचल के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि लोकसभा चुनाव से पहले मुरैना के कांग्रेस महापौर और कई पार्षद, पूर्व विधायक और कद्दावर नेता भाजपा में जाने वाले हैं। अगर कांग्रेस छोड़ने वालों का आलम यही रहा तो लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए उम्मीदवार तलाशना टेढ़ी खीर होगी। सुशील कौशिक, न्यूज 18, ग्वालियर। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।